फर्स्ट कुछ इस कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति कहिए या दुल्हा कहिए तारीख साहब भी बन रही है माइक माइक डॉक्टर जैद हाजी साहब जुबेर भाई हैदर खालिद साहब फरीद भाई जितने रहे दोस्तों भाइयों बहनों मैं इस क्रम में मैं स्मिता जी का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि स्मिता जी अब ORF टीम की एक मेंबर बन गई है और हमें बहुत खुशी है और दुबे भाई आपने कहा कि उर्दू मरकज के लिए स्मिता जी एक डिस्कवरी बनी मैं तो कहूंगा कि ORF के लिए भी वो हमारे लिए डिस्कवरी बनी है हम बहुत खुश हैं आदाब सलाम अलैकुम नमस्कार ORF के इतिहास में आज का यह कार्यक्रम बहुत ही विनूतन रहा अनोखा रहा कि हम पहली बार उर्दू के सम्मान में और उर्दू के एक लेखक के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं हमें बहुत खुशी हो रही है मित्रों और इसका पूरा श्रेय क्रेडिट उर्दू मरकज को जाता है कुछ 10 साल पहले उर्दू मरकज से मेरा संपर्क हुआ था और यह परिचय कराने वाले मेरे परम मित्र आसिफ भाई जो आज इस दुनिया में नहीं है उन्होंने परिचय कराया था और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बहन शरीफा जी यहाँ मौजूद है वेलकम शरीफा उसके बाद भेंडी बाजार फेस्टिवल के कारण उर्दू मरकज से मेरा दोबारा संपर्क हुआ जनवरी महीने में बीच बीच में फरीद भाई जुबेर भाई से मिलना होता था और देखते देखते यह मुलाकात पार्टनरशिप में परिवर्तित हो गया मराठी भाषा दिवस के अवसर पर यानी कवि श्रेष्ठ कुसुमाग्रज जयंती के अवसर पर उर्दू मरकज ने कुसुमोत्सव नाम से जो कार्यक्रम आयोजित किया था उसने तो मेरा दिल जीत लिया एंड आई थॉट फ्रेंड्स दैट हियर इज अ उर्दू ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन भेंडी बाजार विच सेलिब्रेट्स मराठी ऑन मराठी डे विच इनवाइट्स सेलिब्रेटेड डिस्टिंग्विश्ड Marathi writers, critics, and organizes a function that would gladden the heart of any Marathi lover. I don't think there's any organization in Maharashtra which does the kind of work that Urdu Markaz does. Tab humne Observer Research Foundation aur Urdu Markaz ne tay kiya कि एक हमारे बीच में एक सार्थक और सतत चलने वाला पार्टनरशिप शुरू होना चाहिए एक ऐसा पार्टनरशिप जिसके चार यानी मेरे मन में चार मकसद हैं एक तो उर्दू को प्रोत्साहन मिले और उर्दू को प्रोत्साहन देना उर्दू को बढ़ाना ये केवल उर्दू वालों का काम नहीं है केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है हम सबकी जिम्मेदारी है दूसरा मकसद चूंकि हम महाराष्ट्र में हैं उर्दू और मराठी के बीच संवाद को बढ़ाना और तीसरा मकसद हिंदू मुस्लिम एकता को और मजबूत करना और एक चौथा मकसद है मित्रों
भारत और पाकिस्तान के बीच जो आज अविश्वास है, ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको खत्म करें और अमन, सहयोग और सॉलिडैरिटी का एक नया जमाना शुरू करें और इसमें हम अपना कुछ। मेरे पीछे एक आप देख सकते हैं कुरतुलेन हैदर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया, उर्दू राइटर। शी सेज हिस्ट्री इज अनदर नेम फॉर ह्यूमैनिटीज इनएबिलिटी टू लर्न इट्स लेसन। History is another name for humanity's inability to learn its lesson. But our partnership friend, and I'm sure that all of you here and all the peace lovers in India would today say that we will change this definition of history as far as India-Pakistan is concerned. We will have a naya itihas rachna chahte. और मैं समझता हूं कि उर्दू भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा ब्रिज बन सकता है, बहुत बड़ी सेतु बन सकता है। एंड व्हेन आई से दैट नो आई केम टू नो फ्रॉम माय फ्रेंड्स जुबैर भाई, फरीद भाई, दैट टुडे नो not many people even in Pakistan would know Pakistan's national language is Urdu, but there are more people in India whose mother tongue is Urdu than in Pakistan, and there are also more newspapers and journals published in Urdu than in Pakistan. So Urdu is Indian language, Urdu is our language, and Urdu one day will bring India Pakistan together. ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन भारत और पाकिस्तान को करीब लाने के लिए एक अपना छोटा सा योगदान दे रहा है। अब हमने एक नया इनिशिएटिव यहाँ शुरू किया है, उसका नाम है मुंबई कराची फ्रेंडशिप फोरम। मुंबई कराची फ्रेंडशिप फोरम उसके तहत हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और मेरी इच्छा है कि इस काम में भी उर्दू मरकज और मुंबई के सभी जो अमन पसंद लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम सब मिलकर मुंबई कराची एक प्रतीक है, इट्स एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप फोरम। लेट अस इंटेंसिफाई पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, कल्चरल एक्सचेंजेस, सो दैट आवर रूलर्स गेट द मैसेज ऑफ द पीपल that the people want peace between India and Pakistan. This is yet another maksad of our partnership. और जहां तक उर्दू मराठी संवाद को बढ़ाने का सवाल है, तो हमने जुबैर भाई, फरीद भाई, सईद भाई, सुहेल भाई, इनसे हमारी बात हुई और हमने तय किया है कि शीघ्र ही हम एक स्टेट लेवल उर्दू मराठी कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। जो भेंडी बाजार में हुआ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो छोटा था, अब बड़ा करना है। और जो मुंबई के और महाराष्ट्र के मराठी के हम ही मक्तेदार हैं ऐसे कहते हैं, उनको एक मैसेज देना है। और जब हमारी बातचीत हुई तो हमने सोचा कि ये जो पार्टनरशिप है इसका एक पहला कदम जल्द से जल्द उठाया जाए, और इसलिए हमने सोचा कि उर्दू के सम्मान में और उर्दू लेखक के सम्मान में एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए। जिससे हम हमारी जो एक गंगा जमुनी तहजीब है, सेक्युलरिज्म, कम्युनल हार्मनी, नेशनल इंटीग्रेशन, इसके प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, वो हम फिर से अफर्म करें। तो इसलिए हमने सोचा कि शमीम तारिक साहब को हम दोनों
संस्थाओं की ओर से हम उनका सम्मान करें इसलिए आज का ये जो कार्यक्रम है इसके उत्सव मूर्ति शमीम तारिक साहब है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसे मौका मिला है कि शमीम तारिक साहब की भी हम सत्कार कर रहे हैं लेकिन उर्दू की सत्कार करने में हमें एक छोटा सा एक मौका मिला है हमें बहुत खुशी हो रही है और जिस विषय के लिए उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला इट्स अ सब्जेक्ट दैट शोज दैट अफर्म्स दैट सेलिब्रेट्स आवर प्लूरल सिंक्रेटिक कल्चर सूफी भक्ति हेरिटेज एंड अबाउट दिस वी आर वेरी सून गोइंग टू हियर एन एनलाइटनिंग लेक्चर बाय शमीम भाई हिमसेल्फ So, I would like to say only one thing that we are going to publish his lecture in an expanded form in English, in Urdu, in Hindi, and in Marathi. Wow. 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 Wow.